नेता विरोधी दल के तौर पर पहली बार लोकसभा में बोले राहुल गांधी के बयान पर बवाल हो गया। राहुल गांधी ने संसद में दिए अपने भाषण में पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला, जिस पर बीजेपी और सत्ता पक्ष ने कड़ी नाराजगी जताते हुए राहुल गांधी पर पलटवार किया है। इससे इंडिया और एनडीए के बीच संसद से लेकर सड़क तक सियासी लड़ाई छिड़ी है। शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत। बता दें कि सोमवार को संसद में नेता विरोधी दल राहुल गांधी को जैसे ही बोलने का मौका मिला, वो बीजेपी और मोदी पर फायर हो गए। राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण में कहा कि भारत की हिंसा की नहीं अहिंसा की पहचान है, इसलिए ना डरो और ना डराओ। लेकिन मोदी, बीजेपी और आरएसएस नफरत की राजनीति से देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, उसका कारण है क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत डराओ मत। राहुल गांधी ने अपने इस बयान के दौरान मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान का हवाला देते हुए कहा, इस्लाम में कहा गया है कि डरना मत, मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। राहुल गांधी ने इससे आगे बढ़ते हुए बीजेपी को झूठ, नफरत और हिंसा के मामले में जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, लेकिन खुद को हिंदू कहने वाली पार्टी बीजेपी देश में झूठ की बुनियाद पर केवल नफरत और हिंसा फैला रही है, जिससे देश का भला होना नहीं है और जनता परेशान हाल है। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए संसद में घेरने का प्रयास किया। मोदी ने कहा कि राहुल गांधी का हिंदुओं को हिंसक कहना बहुत गंभीर विषय है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। इस पर राहुल गांधी ने अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मोदी, बीजेपी और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है, जिस पर सदन में सत्ता पक्ष की ओर सन्नाटा पसर गया और विपक्ष की ओर से राहुल के नारे की गूंज सुनाई देने लगी। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। बीजेपी अब राहुल गांधी को उनके बयान पर सदन के बाहर भी घेरने का प्रयास कर रही है। बिहार के सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के संसद में मोदी और बीजेपी पर दिए भाषण को हल्का करार दिया है। एलओपी बने हैं, पहली बार बने हैं, सम्मान से बोलना चाहिए। क्या क्या बोल गए? शिव का जिक्र किया, हिंदुओं का जिक्र किया, सारी बातों में देखिए मैं एक ही बात कहूंगा, क्या किसी और आस्था के ईश्वर के बारे में सदन में इस तरह की हल्की बात वो कर सकते हैं? अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास भी राहुल गांधी पर हमलावर हो गए हैं। राजू दास ने उनके बयान को सनातन और हिंदुओं का अपमान बताया है। पक्ष के नेता राहुल गांधी जी को क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए उनको पता नहीं है। बहुसंख्यक समाज का ये अपमान है। हिंदुओं को हिंसक कहना मतलब 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। ऐसे में बीजेपी के साथ हिंदू धर्म गुरु भी राहुल गांधी को उनके बयान पर घेरने में जुट गए हैं, जबकि विपक्ष का साफ कहना है कि लोकसभा के नेता विरोधी दल का बयान पूरे हिंदू समाज के लिए नहीं बल्कि मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लिए है, जो हिंदू का नाम लेकर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इस पर अब सोशल मीडिया से मीडिया तक में बहस छिड़ गई है, जहां पर बीजेपी और विपक्ष एक दूसरे को घेर रहे हैं। संसद में आए राहुल गांधी के इस बयान ने एक तरह से देश में सियासी भूचाल ला दिया है, जिस पर बीजेपी खुद को घिरता देख सवाल उठा रही है। लेकिन सदन से सड़क तक राहुल गांधी के बयान पर समूचा विपक्ष एकजुट दिखाई पड़ रहा है, जो बीजेपी के लिए सदन से सड़क तक मुश्किलें खड़ी कर रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।